the Delhi and District Cricket Association (DDCA) in a glittering ceremony on Thursday night renamed the Ferozshah Kotla Stadium to Arun Jaitley Stadium in memory of former DDCA President and Finance Minister Arun Jaitley. At the same event, the Indian skipper was also honored where a pavilion of the stadium was named after him. The ceremony was attended by Home Minister Amit Shah, current Sports Minister Kiren Rijiju along with former Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathore, Delhi BJP Chief Manoj Tiwary, former cricketers Nikhil Chopra, Kapil Dev, Virender Sehwag, Chetan Sharma, Anjum Chopra, DDCA President Rajat Sharma along with BCCI Acting President CK Khanna among others. The entire Indian team was present on the occasion. हमने तो उनको बहुत छोटे से देखा है, बड़ी खुशी होती है। जिस तरीके से वो अभी भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और स्टेडियम उनके का ड्रेसिंग रूम उनके नाम हो रहा है, जिस तरीके से भारत के कप्तान हैं, धीरे-धीरे जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान बन गए हैं, अभी तो कहते हैं ना लड़ाई उन्होंने शुरू की, अभी तो बहुत आगे तक जाएंगे, अभी तो बहुत कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि इस समय वो अपने करियर के उस मुकाम पर खड़े हैं कि कुछ भी करेंगे वो अपने आप में एक इतिहास बन जाएगा, अपने आप में एक नया कीर्तिमान बनेगा। तो बड़ी खुशी होती है कि दिल्ली से ये लड़का इतना आगे जा रहा है और हमारे फिरोजशाह कोटला से ही इतना आगे जा रहा है। आई थिंक इट्स वंडरफुल, लिटिल टेकन इट बैक बिकॉज वी ऑलवेज फील आफ्टर द रिटायरमेंट, बट दैट्स ग्रेट फॉर दिल्ली क्रिकेट इफ दे कैन रिस्पेक्ट द प्लेयर व्हाइल ही इज प्लेइंग। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, डीडीसीए को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड, क्रिकेटर्स के नाम पर गेट ये डीडीसीए ने किया है। देखिए और बहुत एसोसिएशन हमने देखी हैं कि जो माइट बी क्रिकेटर्स को वो इज्जत नहीं मिलती। आप देखिए अंजुम चोपड़ा के नाम पर डीडीसीए में एक गेट है, वीरेंद्र सहवाग के नाम पर गेट है, अब विराट कोहली के नाम पर स्टैंड आ रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड आएंगे और गेट्स भी बहुत अवेलेबल हैं। तो ये खुशी होती है कि जब एक क्रिकेटर को इज्जत दी जाती है, क्योंकि क्रिकेटर को एंड ऑफ द डे इज्जत की ज़रूरत है, और अगर इज्जत मिले इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी भी क्रिकेटर के लिए। एंड टू हैव विराट कोहली पवेलियन देयर, एब्सोल्युटली आई थिंक दैट्स आल्सो अ परफेक्ट बिफिटिंग ऑनर फॉर हिम। वी ऑल नो हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट, हिज ओन क्लास एज अ प्लेयर, सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मूव एंड आई एम हैप्पी दैट डीडीसीए इज द ऑर्गेनाइजेशन, इज द एसोसिएशन व्हिच हैज टेकन दिस फर्स्ट स्टेप टू ऑनर such accomplished names and cricketers. और विराट ने जो आग लगाई है तो उसको मुझे लगता है कि डिजर्व करता, एंड आई थिंक इट्स बिफिटिंग एंड वेरी एप्ट ऑनर गिवन टू यू नो लेट श्री अरुण जेटली जी एंड विराट कोहली।